नमस्कार साथियों, मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज से मैं एक नई श्रृंखला, एक नई जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। खास करके छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जितने भी प्रतिभागी बैठ रहे हैं, उन सब के लिए छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी भाषा या छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के बारे में जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी को समाहित करते हुए मैं आज की ये श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ। केवल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए यह श्रृंखला उपयोगी नहीं होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जानने और समझने के लिए भी मैं समझता हूँ यह जानकारी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसी कड़ी में मैं आज प्रथम कड़ी के रूप में शुरुआत करने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की जानकारी से संबंधित। तो लीजिए, प्रस्तुत है मेरा यह प्रथम प्रयास या प्रथम कड़ी के रूप में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी भूमिका में आप लोगों को बताया कि आज से मैं एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसका मूल उद्देश्य है आपको छत्तीसगढ़ी भाषा के शब्दों से अवगत कराना, ताकि आप जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग PSC या फिर अन्य विभिन्न छत्तीसगढ़ राज्य से निकलने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आप बैठेंगे, तो किसी भी प्रकार से आपको कष्ट ना हो, आपको बहुत एक हेल्प हो। और मैं चाहता तो इस वीडियो को छत्तीसगढ़ी में भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर के भी जितने भी लोग हैं जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही सार्थक हो, तथा जो लोग नए भी बैठ रहे परीक्षा में, हम एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते हमको इन शब्दों से और छत्तीसगढ़ी संस्कृति से, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से और छत्तीसगढ़ी बोली भाषा से भी हमको मालूम होना चाहिए। तो इसी श्रृंखला की शुरुआत में आइए, मैं सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से रूबरू करा रहा हूँ, अवगत करा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए या फिर नोट कर लीजिए, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक प्रकार से फैक्टर रहेगा, या इंटरव्यू के माध्यम के लिए भी, इंटरव्यू में पूछा जाता है, और किसी भी प्रकार से ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साबित होगा। तो लीजिए, बहुत ही सारगर्भित तरीके से मैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो व्यंजन पकाए जाते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, वो कौन कौन से व्यंजन हैं और उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको अब प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यंजन जो कि प्राय हर घर में बनाए जाते हैं, वह है बड़ा। बड़ा जो होता है वह उड़द दाल से बनाया जाता है, और जरली शादी ब्याह में तो बनाया जाता है, लेकिन जब पितरों को अर्पित किया जाता है तो बगैर बड़े का छत्तीसगढ़ में पितरों को विदाई या पितरों को स्वागत नहीं किया जाता। तो पितर पाख में बड़ा तो हर घर में बनाया जाता है। अब आते हैं खुरमी। खुरमी व्यंजन क्या होता है? खुरमी जो होता है गेहूं तथा चावल के आटे का मिश्रण करके और उसमें गुड़ की चाशनी या चिरौंजी या नारियल का करी डालकर उसका स्वाद बढ़ा दिया जाता है, तथा इसमें क्या होता है, बांस की जो बनी टोकरी रहती है उसमें हथेली की सहायता से दबाकर आकृति उकेरी जाती है और तलकर उसको तैयार किया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ी के अन्य व्यंजन के ऊपर। सेव, सभी जानते हैं बेसन से निर्मित होता है, बहुत ही हल्का, तीखा और नमकीन होता है यह। उसके बाद आता है भजिया। बेसन में प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ा अदरक और धनिया डालकर तेल में तलकर भजिए का निर्माण किया जाता है, जिसको हिंदी में पकौड़ा भी
कहा जाता है, और चाय के साथ या चटनी, टमाटर की चटनी के साथ इसको खाने में आनंद ही आ जाता है। अब आते हैं सेवई। सेवई जो है मैदे या गेहूं के आटे को बारीक सेव के समान सूखा कर रख देते हैं, फिर उसको क्या रहते हैं दूध में शक्कर या गुड़ डालकर पकाया जाता है, और भगवान को जरली भोग लगाने के लिए छत्तीसगढ़ में सेवई बनाया जाता है। कतरा किसको कहते हैं? गेहूं आटा या मैदा से बना हुआ नमकीन मीठा छोटा छोटा रहता है, जिसको तल के निकाला जाता है, उसको कतरा कहा जाता है। अब आता है तिली लाड़ू। लाड़ू किसको बोला जाता है? लाड़ू लड्डू को कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो तिल और गुड़ की चाशनी से बने इस व्यंजन में थोड़ा सा मूंगफली डालकर का स्वाद बढ़ा दिया जाता है, और तिली लाड़ू इस प्रकार से बनाया जाता है। तिली लाड़ू को बसंत पंचमी या फिर ठंड के दिनों में ज़्यादातर खाया जाता है। अब आता है क्रम बघारे भात का। बघारे भात किसको कहा जाता है दोस्तों? क्या होता है छत्तीसगढ़ में, वैसे छत्तीसगढ़ जो है धान का कटोरा है, यहाँ सर्वाधिक चावल की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। तो बचे जो रात्रि में बचे हुए पका हुआ जो चावल होता है उसको क्या करते हैं प्रातःकाल नाश्ते के रूप में हरी मिर्च, सरसों, जीरा, प्याज के साथ छौंका देकर इसको एक नाश्ते के तौर पर भात को बघार कर जब टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है तो इसका स्वाद लाजवाब होता है, तो इसको बघारे भात कहा जाता है। कड़ी में दोस्तों बासी का भी उल्लेख करना चाहूँगा। बासी क्या होता है? देखिए नाम से बासी मतलब पदार्थ बासी नहीं होता, ये व्यंजन का नाम है बासी। क्या होता है? जब रात्रि में चावल बच जाता है तो उसको क्या करते हैं पानी में डुबोकर रख दिया जाता है, तथा प्रातःकाल उस पानी के साथ थोड़ा सा नमक डालकर और धनिया मिर्ची की चटनी या फिर दही डालकर उसको खाने में आनंद ही आ जाता है, इसको कहा जाता है। सबसे लाजवाब तब लगता है जब मटके, जो मिट्टी का मटका होता है ना, उसमें जब बासी रखा जाता है रात भर और जब उसको सुबह खाया जाए गर्मी के दिनों में, आहा हा, पेट ठंडा ठंडा आनंद आ जाता है। कभी आप खा के देखिएगा मित्रों। मैंने अभी कुछ समय तीली लाड़ू के बारे में बताया था, अब आता है करी लाड़ू। करी लाड़ू क्या होता है? बेसन से बने बिना नमक वाला मोटा जो सेव होता है और गुड़ की चाशनी में डुबाकर उसको करी लड्डू मतलब लड्डू बना दिया जाता है, जिसे करी लड्डू कहा जाता है। धीरे धीरे यह विलुप्त तो होते जा रहा है, लेकिन उसको खाने में बहुत ही आनंद आ जाता है। सुख और दुख दोनों के अवसरों में छत्तीसगढ़ में ऐसी परंपरा है कि करी लड्डू बनाकर बांटा जाता था। इसी क्रम में मैं बूंदी लाड़ू के बारे में भी बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता है, बेसन से बने मीठा मीठा बूंदी शक्कर की चाशनी में डुबोकर बनाया जाता है, फिर उसको लड्डू बांध दिया जाता है, जिसको बूंदी लाड़ू कहा जाता है। मुर्रा लाड़ू, हा 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 हा, मुर्रा तो सभी जानते हैं। मुर्रा को गुड़ की चाशनी में डुबो डुबोकर बड़ा बड़ा लड्डू बनाया जाता है, जिसे मुर्रा लाड़ू कहा जाता है, और खाने में हा हा बहुत ही लाजवाब होता है टेस्ट मित्रों इसका। और जलेबी के बारे में तो आप तो जानते ही हैं। मैदा में खमीर उठाकर गोल आकृति में तेल या घी में तलने के बाद शक्कर की चाशनी में डुबोकर तैयार किया जाता है जलेबी। खोआ को जानते ही आप लोग, दूध को औटाने के बाद बचे ठोस पदार्थ को खोआ बोला था। खोआ से बहुत सारे मिष्ठान बनाए जाता है। चिवड़ा, चिवड़ा क्या होता है? पोहा को मीठा नीम या लहसुन के साथ तेल में छौंका देकर जो बनाया जाता है उसको चिवड़ा कहा जाता है। कभी कभी थोड़ा सा प्याज लहसुन वगैरह भी डालकर उसको बनाते हैं, बहुत ही आनंद आ जाता है, समकक्ष पोहा जैसा। तो बचपने में चाय में डुबो डुबो कर चिवड़ा या पोहा को बहुत खाए हैं। क्रम आता है दोस्तों सोहारी। हाँ, ये क्या है? शादी और भोज में अक्सर परोसा जाता है। तो क्या होता है? बड़ी बड़ी पूरी को ही सोहारी कहा जाता है, जो कि शादी
ब्याह या भोज में अक्सर छत्तीसगढ़ में परोसा ही जाता है। अब क्रम आता है चौसेला। चौसेला क्या होता है? ये जरली हरियाली अमावस्या पोरा छेरछेरा त्योहारों में विशेष रूप से तैयार किया जाने वाला जो व्यंजन है। ये क्या होता है? चावल के आटे से बनाया जाता है। इसमें गुड़, थोड़ा सा गुड़ के साथ मीठा चौसेला भी बनाया जाता है, और थोड़ा सा नमकीन चौसेला भी बनाया जाता है, मीठा चौसेला भी बनाया जाता है। तो इस प्रकार से चौसेला का अपना अलग आनंद होता है। क्रम आता है दोस्तों गुजिया का। गुजिया जो होता है, मैदे आटे की रोटी के बीच में जो खोआ काजू किशमिश डाल दिया जाता है, उसके बाद घी में तल कर जो बनाया जाता है, वो बहुत ही गुजिया बनाया जाता है। गुजिया बहुत ही आकर्षक तरीके से डिजाइन करके भी बनाया जाता है। अब रसगुल्ला से तो आप सभी परिचित हैं, है ना, खोवा की छोटी छोटी लोई को सक करके चाशनी में डुबो कर बनाया जाता है। अब आता है दूध फरा। फरा फरा बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है। पहले मैं फरा के बारे में बताता हूँ। फरा क्या होता है? चावल आटे को गूंथ कर छोटा छोटा लंबी लंबी थोड़ा सा उंगली के बराबर उसको गोलाई के रूप में उसको बनाया जाता है। रग बनाकर उसको मस्त तेल में तलकर और कुछ उसमें और भी चीज़ें डालकर स्वादिष्ट बनाया जाता है, जिसको फरा कहा जाता है। और दूध फरा क्या होता है? उबलते हुए दूध में ये चावल का जो फरा बनाया रहता है उसको डालकर बनाते हैं, तो ये दूध फरा हो जाता है, है ना। अच्छा, मुरकू। मुरकू क्या होता है? चावल आटा या मैदा आटे से पतली लड़ी जैसा बनाकर सुखा लेते हैं, और बारिश या ठंड के मौसम में उसे तेल तल कर खाया जाता है, जिसे मुरकू कहा जाता है। और एक होता है बासी बड़ी। मेरे घर में तो अक्सर मेरी मम्मी बनाती है बासी बड़ी। क्या होता है? जो बासी मतलब जो रात्रि कालीन चावल बच जाता है, उसको प्रातः काल क्या होता है, उसमें और भी नमक मिर्च वगैरह और भी डालकर बड़ी के रूप में चावल को पर्रा में सुखा दिया जाता है, और सूखने के बाद तल कर खाने में वाह वाह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, जिसको बासी बड़ी भी कहा जाता है। गुलगुला भजिया। गुलगुल भजिया खा ले, गाना भी है छत्तीसगढ़ी का। तो गुलगुला जो भजिया होता है वो कैसे निर्मित किया जाता है? क्या होता है? चावल आटे में गुड़ की चाशनी से पकौड़ा जैसा तल कर, जैसा पकौड़ा बनाते हैं ना, वैसे ही बनाकर खाने में मज़ा आ जाता है। गुलगुल भजिया, गुलगुल भजिया मतलब गुलगुला भजिया। मड़ई में तो मिलता है, ज़रूर खाइए आप सभी। आता है बालूशाही। बालूशाही शादी ब्याह भोज में तो छत्तीसगढ़ में बनता ही बनता है। कैसे बनता है? ये मैदे से बनाया जाता है। मैदे के आटे को लोई को गोल कर बीच में उंगली से छेद कर दिया जाता है, फिर उसमें शक्कर की चाशनी का लेप लगाकर जो बालूशाही तैयार की जाती है, आहा खाने में आनंद आ जाता है। इसको बालूशाही से आप सभी परिचित होंगे। बताशा। दीपावली के समय में अक्सर बतासे छत्तीसगढ़ में, मैं समझता हूँ भारतवर्ष में बिकते होंगे। तो बतासा क्या होता है? गोल आकार का शक्कर से बना व्यंजन होता है। होली दीपावली के अवसर पर क्या करते हैं, इसको माला में पिरोकर लोग एक दूसरे को पहनाकर जरली बधाई देते हैं, या फिर अगन बृहस्पत में माता लक्ष्मी को भी अर्पित किया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो इसे कहते हैं बतासा। आता है पपची का। क्या होता है? गेहूं और चावल के आटे से बनी पपची, मतलब मीठी पपची मंद आंच में सेके जाने से कुरकुरी और स्वादिष्ट बन जाती है, इसे पपची कहा जाता है। फल्ली पापड़ी तो जानते हैं, गुड़ की चाशनी में फल्ली दानों को डालकर बनाया जाता है। जोंधरा लाड़ू। जोंधरा लाड़ू क्या होता है? मक्के का मीठा लाड़ू को ही जोंधरा लाड़ू कहा जाता है। अब चना लाड़ू समझ सकते हैं, चना दाल से बना मीठा लड्डू को ही चना लाड़ू कहा जाता है। बफोरी, बेसन को भाप में पकाकर पकौड़े के समान जो बनाया जाता है व्यंजन, उसे बफोरी कहा जाता है। दोस्तों अब आता है अंगाकर रोटी का, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुतायत मात्रा में बनाया जाता है, प्रायः प्रायः हर घर में बनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ चावल का प्रदेश है, तो निश्चित रूप से चावल
का एक मोटा रोटी बनाया जाता है और उसको चूल्हे के बीच में अंगरा मतलब आग में जो कोयला धधकता रहता है उसको छत्तीसगढ़ी में अंगरा बोलते हैं, अंगरा में डालकर जो रोटी को सेकाई किया जाता है उसे अंगाकर रोटी कहा जाता है और पताल की चटनी के साथ इसको खाने में आनंद आ जाता है। मित्रों ये वीडियो लंबा होते जा रहा है तो प्रथम कड़ी को व्यंजन छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के इस प्रथम कड़ी को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का दूसरा वीडियो अतिशीघ्र मैं अपलोड करूँगा, उसको सुनना ना भूले। मैं बाकी जो बचा हुआ व्यंजन है उसके बारे में अपने इस दूसरे वीडियो में जानकारी दूंगा। निश्चित रूप से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी और अपने जानकारी बढ़ाने के लिए भी उम्मीद करता हूं कि मेरी यह जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।